एनडीपीएस की टीम को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर गिट्टी खदान क्षेत्र के दाभा नाका से काटोल नाका रोड पर जाल बिछाकर चार आरोपियों को हिरासत में लिया। साथ ही आरोपियों से कुल 11,55,444 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। एनडीपीएस की टीम को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर चार आरोपियों को 82 ग्राम 84 मिली एमटी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस सेल मार्फत 5 जुलाई रोजी पुलिस स्टेशन गिट्टी खदान हद्दी मध्ये एमडी बाबत एक कारवाई करण्यात आली। त्यामध्ये आम्ही 3 आरोपी त्यांना अटक केलेली आहे। आरोपी अंकित गुप्ता व त्याचे इतर 2 साथीदार त्यांचा PCR घेण्यात आला। तपासादरम्यान अशी माहिती मिळाली की नमूद आरोपितांनी मुंबई येथून मामू नावाचे स्मार्टफोन एमडी प्राप्त केलेली आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही अत्यंत गोपनीय पद्धतीने कामकाज केलं। माननीय पोलीस उपायुक्त गुन्हे शाखा यांचं मार्गदर्शन घेऊन आम्ही तात्काळ पथक रवाना केलं मुंबईला आणि काही तांत्रिक मदतीने आणि आमच्याकडे जे अवेलेबल डाटा होता त्या अनुषंगाने आम्ही मुंबईमध्ये सर्च घेतलेलं आहे। बऱ्याच ठिकाणी आम्ही अथक परिश्रम करून काम करून आरोपीला अटक केली आहे। तर आरोपीचं नाव मेहंदी हाशमी असं आहे, त्याला मामू म्हणून ओळखलं जातं। हा एक ड्रग पेडलर आहे। त्याच्याविरुद्ध विविध पोलीस स्टेशनला फसवणुकीशी संबंधित गुन्हे दाखल असल्याची प्राथमिक माहिती प्राप्त आहे। त्यासंबंधी आम्ही अधिक तपास करीत आहोत। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 82 ग्राम 84 मिलीग्राम एमडी ड्रग्स पाउडर जिसकी कीमत 8,28,400 रुपए व 3 अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन जिनकी कुल कीमत 27,000 रुपए और साथ ही अपराध के समय उपयोग में लाई जाने वाली शेवरलेट बेट कार क्रमांक MH43AJ6891 जो कि ग्रे रंग थी जिसकी कीमत 3,00,000 रुपए, ऐसा कुल 11,55,400 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी अंकित राजकुमार गुप्ता सुभाष पुतला हनुमान मंदिर किराटपुर सतरंजीपुरा निवासी, ऋतिक रितेश गुप्ता हनुमान मंदिर सुभाष पुतला किराटपुर सतरंजीपुरा निवासी और ऋषभ प्रभाकर सोनकुसरी तिन्नल चौक कसारपुरा भोजवानी आटा चक्की के पास इतवारी पुलिस स्टेशन तहसील निवासी को गिरफ्तार किया है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।